सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एविनलन और न्यू चैप्टर। वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। ये हमारा ब्लैक बोर्ड पे नेम लिख के आ गया है। आज आप देख ही रहे हो कि हमारे नेक्स्ट जो पहले वाली वीडियो था उसमें ये बंद था डोर, जो हमारे सेकंड चैप्टर में ये डोर ओपन हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। ये ग्रेल है जो हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमें कुछ क्लू मिलेगा मास्क के रिलेटेड। ये देख रहे हो आप, मेडिकल लाइन जा रही है, कुछ फोटो में ड्रॉ करके आया हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये है मेड चैलेंज, कुछ मशीन जैसा जो एक बंकर में एविनलन यहाँ पर पूजा करती है वहाँ पे। ये कुछ 3 आइटम हैं जो हमें एक मशीन के अंदर जाके लगाने हैं। चलो गाइस जाते हैं और लगा देते हैं और बनाते हैं फास्ट शूज। ये ओपन किया हमने डोर, ये हमने वापस से डोर ओपन किया। हम आगे जा ही रहे हैं। ये क्या है, एविनलन सामने से जा रहे हैं। हम दीवार के पीछे कुछ देर के लिए रुकते हैं। आगे चलो, ये मेटलिक बैग ओपन करते हैं और इसको अंदर इसको रख देते हैं। ये हम टॉप पे आ गए हैं और हम यहाँ पे एक ग्रेल ढूंढने आए हैं और वो इलेक्ट्रिक पैनल को स्टार्ट करने के लिए स्मॉल केबल ढूंढने आए हैं। ज़्यादातर स्मॉल केबल तो यहाँ पे मिलता है। देख लेते हैं और कुछ क्या मिलेगा यहाँ पे। अब हम इलेक्ट्रिक पैनल को स्टार्ट कर देते हैं। खाली अब नीचे ये क्या ना गई, नीचे जाके स्विच ऑन करना है आपको सिर्फ, जैसे सारे जो इलेक्ट्रिसिटी से डोर ओपन होते हैं वो हो जाएंगे। ये स्विच हमने दबाया और ये सारे डोर ओपन हो जाएंगे, जिससे हमें आसानी होगी ये सेकंड चैप्टर को क्रॉस करने, यानी बलून एस्केप करने के लिए। ये हम नन को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम में आए, फिर हमने टैप करके सेकंड और से हम निकल आए। ये हमने स्टडी रूम का और क्लासरूम में गए। आगे बढ़ते ही हमने गए डायरेक्ट हम लोग स्प्रिंग निकालने के लिए, क्योंकि हमें जंप फास्ट शूज में यूज़ करना है स्प्रिंग। और इसका ये ओल्ड है इसलिए हमें इसको ऊपर कूद कूद के इसको तोड़ना है। ये टूट गया है। अब हमें एविनलन को थोड़ा बुद्धू बनाना है, जिसलिए हम यहाँ पर टैप डोर ओपन करके इसको भगाते हैं थोड़ा। गाइस आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ये एविनलन को बुद्धू बनाना बहुत इजी है, आप भी ट्राई करना ये टेक्निक। अब हम जाके स्प्रिंग लेंगे और उसको स्प्रिंग शूज और जो एक और मटेरियल कैन था उसको भी एक साथ लाके हम लोग उसका एक फास्ट शूज बनाएंगे। और वो मेटलिक ब्लाइंड के अंदर हमको ये सब डालना है पहले। ये हमें स्प्रिंग मिल गया है, अब हमें शूज ढूंढना है और कैन। जो कैन तो हमें इजीली कहीं यहाँ पे ऊपर मिल सकता है या फिर चेंजिंग रूम में भी मिल सकता है। ये ऊपर ज़्यादातर ही ऊपर ही मिलता है। हम आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ये हम यहाँ पे ये शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम जल्दी नीचे आ सकते हैं और नन को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये हम यहाँ मेटलिक बैंड के पास आए, हमने यहाँ पे कैन को भी कलेक्ट कर लिया। अब हमें चाहिए शूज, जो हमें बेसिकली कोई भी कबोर्ड में मिल सकता है। जो यहाँ पे हम लोग आए हैं चेंजिंग रूम के बाजू वाले रूम में, ज़्यादातर वहाँ पे ही मिलता है। अगर यहाँ पे ना मिले तो ज़्यादातर कबोर्ड में ही होगा और ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे ही कबोर्ड में ही होते हैं। और हमें ये शूज मिल गए, अब चलो बनाते हैं फास्ट शूज। लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है ऑयल। अब इसे हम एक एक करके अंदर डाल देते हैं। अब इसके बाद हमें ऑयल डालना है इसके अंदर। ये शूज भी हमने डाल दिया, अब हमें सिर्फ ऑयल चाहिए जिससे मशीन स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल ज़्यादातर किचन में मिलता है और कभी कभार कबर्ड में भी होता है। जैसे कि हम ऊपर आ ही गए, अब हमने देखा कि यहाँ पे ऊपर कोई भी ऑयल था नहीं, ज़्यादातर यहाँ पे मिलता है, पर इस बार हमको मिला नहीं, इसलिए वो नीचे किसी भी कबर्ड में हो सकता है या फिर ऊपर किसी भी जगह पर हो सकता है, इसलिए हमें पहले उसे ढूंढना होगा। ये हमने सारे कबर्ड खोले, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। ये क्या, नंदा आके हमको डरा दिया।
चलो गाइस भागो भागो, ये नन पीछे आ गई अचानक से। चलो गाइस हम नीचे जाते हैं और हमें कबर्ड में जाके चेक करना है। ज़्यादातर कभी कभार चांसेस यहाँ पे होते हैं। ज़्यादातर ये हमें बॉटल ऑफ ऑयल मिल गई है और हमें ये जाके ये मशीन स्टार्ट करनी है। लिटरली हमने ये मिशन पूरा कर दिया और ये हमारे पास सुस बन के तैयार हो गए हैं। हम जा रहे हैं एविल नन के वो पूजा यग्नि, यानी जहाँ पे आग जलती है वो वाले रूम में। ज़्यादातर ये देखो ये रूम, यहाँ पे नीचे एक बेसमेंट है जिसमें मेन चैलेंज होता है। यहाँ पे हम जैसे ही बटन दबाएंगे ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हमें ये मिशन कंप्लीट 50 सेकंड में ही करना होता है। ये रास्ता आप देख लेना, आप ज़्यादातर यही रास्ता यूज़ करना क्योंकि ये रास्ता आपसे जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लोगे। और यही रास्ता हमें वो फेस के मास्क के टुकड़े के पास पहुँचाएगा क्योंकि वो फेस के मास्क के टुकड़े 6 हैं टोटल, जिसमें से हमें एक पहला मिल चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो हमें ये एक टुकड़ा मिल चुका है और दरवाजे बंद हो गए। जैसे ही हमें ये मिलेगा कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे, इसलिए हमें ऊपर आना है लिटरली और यहाँ पे वापस से हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आ जाएंगे। हम जाते हैं वापस अपने रूम में जहाँ पे ये लगाना है फेस मास्क। ये डोर बंद करने के बाद ये वुड प्लैंक लगाना है बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एविलन अंदर आ जाएगी और हमारा सीक्रेट रूम पता कर लेगी। हमने ये देखो एक मास्क लगा दिया। जैसे ये मास्क लगाओगे आपका ग्रेल वापस से उड़ के कहीं पे भी स्कूल में जाके छुप जाएगा, आपको जाके ढूंढना है। ये बेसिकली हर चैलेंज के स्टार्ट में होगा। ये देखो हमें एक मास्क तो मिल चुका है, हम जाके ग्रेल ढूंढते हैं क्योंकि ग्रेल के बिना हमें कोई मिशन नहीं मिल सकता और ना ही हम कोई मास्क को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हमने डोर ओपन किया, हम जा रहे हैं अब ग्रेल फाइंड करने। ज़्यादातर तो वही ऊपर मिलता है, कभी कभार एक कपड़ में मिल सकता है। हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं नन तो आ नहीं रही है पीछे, ये ऊपर तो नहीं। हम अंदर जा रहे हैं किचन में सबसे पहले चेक करने। ज़्यादातर आपको ग्रिल एंड टॉप यानी ऊपर वाले कमरों में मिलेंगे, किचन में मिलेंगे और एक रूम जो पीछे है ऊपर साइड में वहाँ पर मिलेगा। और एक बालकनी है जहाँ पर हाइड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी कभी कभार ग्रिल ऊपर रखा होता है बट रेयरली वो नीचे होता है। नीचे आपकी जब आप दरवाज़ा ओपन करोगे तब वो नीचे मिल जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि ये ग्रिल ऊपर ही मिलता है सेकेंड वाले रूम में, ये हम आ गए हैं ग्रिल लेके नीचे। हमने ये वुड प्लैंक बंद किया, हम जा रहे हैं ग्रिल को लगाने। ये हम देखेंगे हमें अब सेकेंड मिशन क्या मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर खड़े नहीं होंगे तो हम ये स्टैंड के ऊपर तो ये ग्रिल नहीं लगेगा। हमने ग्रिल लगाया, अब हमें मिलेगा सेकंड टास्क जिससे मिलेगा हमें सेकंड पार्ट ऑफ मास्क। यह हम देखते हैं क्या मिशन मिलता है। हमें मिला है द मिस्ट्री ऑफ सिमेट्री। आपको याद है जो गार्डन था वहाँ पे एक डे था जहाँ पे वो रेड रेड मिशन था, वो वहाँ पे ही है सिमेट्री जहाँ पे ये स्कूल हमें कैसी नन है कि यहाँ पे स्कूल भी है, सब कुछ है, बास्केटबॉल टेनिस भी है जो हमारे स्कूल में कभी कभार नहीं होता, कई स्कूल में नहीं होता है। ये सिमेट्री बहुत अजीब टाइप की है कि स्कूल के अंदर ही सिमेट्री, बहुत रेयर केस में होता ही है। हम जाके चेक करते हैं अब क्या सिमेट्री में हमें क्या क्या करना होगा। ये लॉकर में तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये हमने ओपन किया। हम जा रहे हैं अब, ये देखो ये डोर है जहाँ पर रेड लगाया था, यह ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक टेंपल टाइप है कुछ जहाँ पे हमने सेफ की अपनी, ये हमें सेफ की थी वो हमने ड्रॉप कर दी क्योंकि यहाँ पे हमें एक सवेल चाहिए। और ये टाइम जो देखा आपने पीछे वो हमें वो जो नन के हाउस में जो क्लॉक थी ना वहाँ पर जाके ये टाइम यूज़ करना है, इससे हमें एक स्टोन मिल जाएगा। ये देखो नन भी हमारे पीछे, खाली एक सेफ की ड्रॉप करने से आ गई पीछे, ये हमारे पीछे कभी नहीं छोड़ेगी, इतनी बेवकूफ़ है। ये गधी नन भी ऐसी है, देखो कैसा स्कूल है, कभी पेंट कराने के लिए खर्चा नहीं करती, बहुत कंजूस नन है। आपने देख ही लिया होगा कि ये नन बहुत कंजूस है कि यहाँ पे सब कुछ जूना और पुराना पड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है।
देखते हैं हमें वो क्लॉक में हमें जाके वो टाइम जो हमने देखा वो हमें जाके यहाँ पे सेट करना है। जैसा कि हम ये देखो हमने गलती से बेल बजा दी, हमें यहाँ पे खेल ख़त्म। हम आगे से यहाँ पे वापस आके स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमें यहाँ पे ये खोलना है सिंपली, और जो ऊपर जो दो गियर है उसमें जाके टाइम सेट करना है। हमने टाइम सेट किया, अब इसमें से हमें खाली है ना वो ग्रीन बटन प्रेस करना है जिससे हमारा वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा मून स्टोन। ये मून स्टोन भी बहुत ग्लिटर है और चमकीला है, बहुत डायमंड जैसा है और बहुत शाइनिंग कर रहा है। ज़्यादातर बहुत लोगों को ये पसंद आया होगा कि ये बहुत इतना खूबसूरत है। अब हमें चाहिए सवेल, क्योंकि हमें यहाँ पर खुदाई करनी होगी। जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर सीमेंट में यहाँ पर कुछ मुर्दे जो नन्हे यहाँ पे मार के उनको दफना दिया है। हमें जाके पहले सवेल फाइंड करना होगा, जो हमें कभी कभार वो साइड वाले रूम से मिल जाएगा, और हमें ऊपर जाके देखना होगा। ऊपर भी कभी कभार कबर्ड में होता है। हम यहाँ पे जंप करके शॉर्टकट की वजह से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट से हम ऊपर पहुँच सकते हैं। देखते हैं नन आती है कि नहीं आती। ये देखो नन का नाम लिया और नन आ गई। ये पागल सी नन यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आ रही है। ये हम ऊपर जंप करके आ गए, हमें सवाल मिल गया। हम शॉर्टकट ही रास्ते से हम नीचे चले जाएंगे। ये नन देखना पड़ेगा, नन कभी कभार हमको पीछे से भी थप्पा कर देती है। और ये गधी नन का तो पता ही नहीं क्या भरोसा कि हमारे पीछे आके हमको कभी भी मार सकती है। थोर का हटोड़ा होता है, ये नन के पास क्या कर रहा है? थोर कहाँ गया हमारा? ये हमने सारे ग्राउंड को एक टच करके इसका टॉम ओपन किया। ये टॉम है, ये देखो हमें हॉट स्टोन मिल गया है। और हमें सारे सब खोद के खाली कर देने, क्योंकि हमें यहाँ पे एक मून स्टोन तो मिल चुका है, अर्थ स्टोन भी अभी मिला है। हमें सन स्टोन के लिए हमें कोई नेम के नाम एक नेम नाम की बुक ढूंढनी है, जो ज़्यादातर हमको है ना वो क्लास रूम में बोर्ड के ऊपर लिखी होगी। मेरे क्लास रूम में तो SM लिखी हुई होती, जो मुझे यहाँ पे आके SM नाम का बुक देखनी है, जिससे हमें वो ऊपर जो कोड लिखा है वहाँ पर टेबल में एक साइड में दिया है पैडलॉक, वहाँ पर जाके डालना है। हमें देखो ये अर्थ स्टोन तो मिल चुका है, अब हमें जाना है सन स्टोन फाइंड करने। ये तीन स्टोन होते हैं जिसके वजह से वो डोर ओपन होगा टेंपल का। हमने सारे ही यहाँ पर ग्रेवयार्ड ओपन कर दिया, लेकिन कभी नन आ गई, ये हमारे पीछे कभी नहीं छोड़ती। थोड़ा सा भी साउंड हो जाए ये हमारे पीछे पड़ जाती है कभी कभी हर बार। ये हम उसको थोड़ा चकमा देके वापस आते हैं। ये देखो नन वापस से आएगी, हम उसको घुमा फिरा के वापस से छोड़ के आ जाएंगे स्कूल में कहीं पर भी रैंडमली। ये देखो हम थोर का हटोड़ा लेके पीछे घूम रही है। इसका हटोड़ा बहुत जोर से लगता है, जिससे क्या ही बोलूँ, कभी कभार तो बहुत गुस्सा आते हैं नन के पास, ये थोर का हटोड़ा कहाँ से आ गया, जिसे हम मियोनीर बोलते हैं। अभी तो स्टॉर्म ब्रेकर है जो बिल्कुल ही अलग है उस हटोड़े से, लेकिन मियोनीर इसके तरह दिखता है। ये देखो नन आ गई, हमने उसको वापस से बेवकूफ़ बना के ऊपर बुलाया। अब हम वापस से नीचे जाएंगे शॉर्टकट रास्ते। हमने यहाँ पे साउंड कर दिया क्योंकि नन ऊपर आए और हम तब तक अपना काम कर सकें। ये नन ऊपर चली गई, अब हमें सन स्टोन फाइंड करना है। जैसा कि आप देख ही रहे हो हमें खाली वो SM नाम की बुक ढूंढनी है। हम जा रहे हैं वापस से वही जगह सिमेट्री में, देखते हैं वो SM नाम की बुक कहीं पर भी मिल सकती है। ये बहुत छोटी छोटे अक्षरों में लिखा होता है, ये बहुत मुश्किल से फाइंड कर सकते हैं। ये तो SA मिली थी हमें, अभी SM फाइंड करनी। देखा कितने सारे लोगों को मार के गाड़ के रखा है। ये देखो ये कोड है 3 डिजिट का, इसे हमें जाके है ना क्लास रूम में जाके वापस से चेक करना है। ये कोड हमारे बहुत काम का है, और ये सेफ की है जो इसके अंदर काम में आएगी, क्योंकि ये 3 स्टोन के बगैर ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है। हमने साउंड क्रिएट किया है क्योंकि नन यहाँ पर आए, हम उसको चकमा देके वापस से क्लास रूम में जाके वो पैडलॉक ओपन कर सके। ये देखो नन तो अभी तक आई नहीं, इसलिए हम साउंड क्रिएट करके वापस से उसको यहाँ पर बुलाएंगे। ये क्रोबर हमको माल याद रखना है कि हमें आगे जाके क्रोबर कहाँ छोड़ा था। ये हमने साउंड क्रिएट किया क्योंकि नन यहाँ पर आ जाए और हम उसको चकमा देके वापस से वहाँ पर चले जाए। वेट करते हैं थोड़ा नन का। ये देखो एविल नन आ गई है, अब
अब इस पागल नन को हमें थोड़ा चकमा देना, घुमा फिरा के हमको इसको पीछे छोड़ कर आना। ये देखो कभी इस साइड जाती कभी उस साइड जाती, हमने उसको चकमा दे दिया। ठीक है, लिटरली मैं फंस ही गया था कि नन पकड़ लेगी, पर मैं बच के निकल गया। फिटकार हम आगे जाके खाली क्लासरूम में वापस इस विंडो में से टैप करके हम क्लासरूम में जाएंगे पेड लॉक को ओपन करने के लिए, जो हमारा 3 डिजिट का था EYT, उसको जाके ये क्लासरूम में मेरे बोर्ड पे लिखा है SM Bench, यहाँ पे लिया है पेड लॉक। हमें खाली यहाँ पे क्लिक करके जस्ट वो कोड यहाँ पे डालना है, ई मिल गया, वाई करना है, वाई के बाद हमें यहाँ पे टी करना है सिंपली से। यह टी आ गया, हमें खाली अभी से ओपन करना है ड्रॉवर को। बिना ये कोड के आप ये ड्रॉवर ओपन नहीं कर सकते। ये हमने कर दिया, हम ये हमारा सनस्टोन मिल गया है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमें सनस्टोन मिल चुका है, और ये नन का पता नहीं कहाँ पे है। हमें छोड़ा उसको चकमा देने के लिए, हमें घुमा फिरा के उसको कहीं पे भी पीछे छोड़ना होगा, नहीं तो ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये हम देखो नन को ऊपर बुला रहे हैं क्योंकि हम उसको चकमा देके शॉर्टकट रास्ते से हम बाहर निकल के डायरेक्ट हमारे वो सिमेट्री वाले रूम में चले जाएँ, क्योंकि सिमेट्री रूम में टाइम लगेगा कि हमें सेफ की से भी लॉक खोलना है, तभी ये पीछे आकर धमका ना कर दे। चलो गाइस आगे जाके देखते हैं कि हमें सिमेट्री के टेंपल के अंदर क्या क्या होता है, और सेफ की का क्या काम है, आगे जाके देखते हैं। चलो आगे बढ़ के ये टेंपल खोल ही देते हैं। ये हमें 3 स्टोन मिल गए जो हमारे ऐसे रियल में वो गोल्ड डायमंड्स बन के हम मार्केट में बेचे तो हमें बहुत प्राइस मिल सकते हैं। हम जाके देखते हैं कि ये को तिजोरी अंदर ये हमें मिल गया एक मास्क पीस जो हमारे बहुत काम का है। हमें जाके सीधा इसे वही रूम में जाके लगा देना हमारे सीक्रेट डोर के अंदर। यहाँ पे नन को कभी आ नहीं सकती, और नन के आने के बहुत चांसेस अगर आप ये दरवाज़ा ओपन छोड़ देते हो। हमने जाके ये सेकेंड मास्क का पीस भी लगा दिया है। हम आगे देखते हैं, अब ये देखो वापस से ग्रेल उड़ के जाएगा, ये पूरे स्टोर कहीं पे भी छुप जाएगा। देखते हैं इस बार भी ग्रेल कहाँ मिलेगा हमको। ये हम जाके देखते हैं, ये गेम थोड़ा ग्लिच कर रहा है। हमें 2 मास्टर के पीस मिल गए, वैसे हमको 6 कलेक्ट करने हैं। आगे जाके देखते हैं आगे क्या होता है। हमने ये लेडर्स चढ़ के हम ऊपर वापस से टॉप फ्लोर पर जाएंगे फाइंड करने कब क्या हमें टॉप फ्लोर पर हमारा लस्सी पे क्या हमको मिलता है क्या नहीं मिलता। हम जाके चेक करते ही हैं टॉप फ्लोर पे, पर ये कभी कभार नीचे मिलता है जिसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। हम यहाँ पे आके फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ऊपर हमको मिला नहीं था, इसलिए हम नीचे आ गए। नीचे आके चेक कर रहे हैं ये कबर्ड खोल के सारे, पर यहाँ पे कबर्ड में भी कुछ नहीं मिला। एक रेयर प्लेस है जहाँ पर वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं वहाँ पर मिलने के। हम जाके वहीं चेक करते हैं क्योंकि ये कमरों में तो कभी नहीं मिलने वाला ग्रेल हमको। एक सिंपल सा रास्ता है, हम वॉशरूम में चेक करना है क्योंकि वॉशरूम में कभी कभार नहीं होता है, और लिटरली होता ही नहीं है कुछ। खाली वो येलो की मिल जाएगी हमको। अब यहाँ पे आए हम लोग, कबर्ड में तो होंगे नहीं। यहाँ पे देखो ये ग्रेल है, कभी कभार यहाँ पे मिलेगा कभी कभार ये क्राउड हो गए। हमको इसके नीचे जाके वापस से देखना है, वहाँ पे भी हो सकता है। हम ग्रेल लेकर वापस आ गए, हमें कबर्ड को बंद करना होगा क्योंकि हमारा नन ना आ जाए अंदर। हमको ये बंद कर खुला छोड़ के जाना ही नहीं है लिटरली। हम आगे जाके देखते हैं कि हमें अब न्यू मिशन क्या मिलता है। आगे देखते हैं कि हमें कौन सा मिशन मिलने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर वापस से ब्लू लाइट चल के गई, वहाँ पर कुछ ड्रॉ करके आ गया जो हमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। हम देखते हैं अब ये न्यू मिशन क्या है। ये है पिंक रूम का कुछ मिनी गेम रूम। आपको याद है कि हमारे ये एविल नन गेम में एक पिंक डोर होता है जिसके लिए हमें पिंक की मिली है। ये पिंक की से ही हमारा डोर ओपन होगा, और डोर पे हमारा नाम भी लिखा आता है। कभी कभार कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसमें एक गेम रूम है, हमें उसके अंदर ही जाके गेम खेलनी होती है। देखते हैं आगे ये मिनी गेम रूम होता कैसा है। मेरा खाली ये मिनी गेम रूम पड़ा है, मेरे को लगा ये गेम है रूम है। हमको जाके खाली चेक करना है मुझे जाके कि एक गेम रूम ही है क्या और कुछ रूम है। ये रहा हमारा पिंक रूम जहाँ पे हमारा नेम लिखा हुआ है ऊपर, ये हमने खोल दिया। इसके अंदर हमें जाके लानी है क्योंकि हैंड, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो मशीन है जो अंदर उसके अंदर पक और जाना छुपती रहे क्योंकि वो बटन दबती रहे प्रेस होती रहे कंटिन्यूसली, नहीं तो हमारी वो मशीन ऑपरेट नहीं होगी और हमारी गेम स्टार्ट नहीं होगी। ये हैंड आ गया हमारे पास,
एन कभी कभार यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो सामने वो जहाँ पे मुर्गियों का वो शेड है ना वहाँ पे मिलता है। ये हमको नन को वापस से चकमा देना होगा, इसलिए हम वापस से शॉर्टकट रास्ता यूज़ करेंगे हम नीचे जाने के लिए, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता नन कभी क्रॉस कर ही नहीं सकती। आगे जाके देखते हैं होता क्या गया है। लेट्स प्ले द गेम। हम जा रहे हैं पिंक रूम में, हमने ये जैन को रखना है और हमें जाके लानी है थोड़ा वीट, क्योंकि ये फूड दिया अगर ये कुछ खाएगी नहीं और मशीन के बटन प्रेस होगा नहीं। हमें ये वीट तो ज़्यादातर चेंजिंग रूम के टॉयलेट के पास जो वुड प्लैंक होता है उसे ओपन करने के बाद ही मिलता है, और वुड प्लैंक ओपन करने के बाद जो आगे एक टनल आती है उसे क्रॉस करने के बाद सामने जो कबर्ड होता है वहाँ पर मिल जाएगा, साइड में जो सेल्फ है वहाँ पर मिल सकता है। ये वुड प्लैंक हमें क्रोबार की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने देखा था कि हमने वो गार्डन में छोड़ दिया था। गार्डन में यहाँ पे ही लिटरली हमें सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि ये क्रोबार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हम गेम एस्केप कर ही नहीं सकते हैं। और ये ज़्यादातर यही क्रोबार हमारे यूज़ करने में आता है, नेल ओपन करने के लिए बहुत यूज़फुल है, इसके बगैर हमारे पास कोई टूल नहीं कि हम कुछ भी ओपन कर सके। ये हमारा यहाँ पे तो है नहीं, हमें जाके खाली वो चेक करना है, कबड़ में भी नहीं है। अब हमें जाना है सीवर में जाके चेक करना है। लिटरली कभी कभार ही बहुत रेयर केस में बारे मिलता है, हमारा फर्स्ट टाइम है, हमने पहली बार ही चेक किया कि हमें टूरिस्ट स्कूल में ढूंढा पर हमको मिला नहीं, इसलिए हम लोग बाहर आ गए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं थोड़ा। आगे जाके देखिए हमको यहाँ पर ही खाली मिला वीट, क्योंकि सामने से नन आ रही, इसलिए जल्दी हमें पहले बंच ऑफ कीज से जाके डोर ओपन करना है, क्योंकि हम ऊपर जा सके नहीं तो हमको नन यहाँ पे पकड़ के मार देगी। यहाँ पे देखना वो नन ऊपर आई है, हमें खाली सिंपली जाके डोर ओपन कर देना है। ये बंच ऑफ कीज हमेशा यहाँ पे ही मिलेगी आपको पड़ी हुई, ये डोर ओपन हो गया, ये बंच ऑफ कीज से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। नन देखो आ रही है, हमें खाली वीट लेके जल्दी जाना होगा, सारे वीट ले लेना, क्योंकि ये मिनी गेम रूम में बहुत कम चांस होते हैं कि वो आप 100 तक पहुँचा ही दो उसको, हमें 100 पॉइंट्स कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक मास्क का पीस। बिना 100 स्कोर के आप मास्क का पीस नहीं ले सकते, ये गेम बहुत मुश्किल है, आप बहुत बार ट्राई करना, इसमें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी बहुत बार प्रैक्टिस की तब जाके मैंने इसमें 100 स्कोर ईजिली कर पाया। ये देखो हैंड के पास यहाँ पे जाके खाली यूज़ करना है, बटन को प्रेस मत करना, इंजन आए वहाँ पे खाली टेक कर देना, ये अपने आप ही चला जाएगा और हैंड खाने लगेगी, ये बटन प्रेस होती रहेगी। ये रहा मिनी गेम रूम, हमें सिंपली लिटरली बहुत अच्छे से खेलना, क्योंकि पहले हमें वो स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे जो सामने जो पंपकिन है उसके फेस पर मारना होगा। ये -10 है जिसके ऊपर मारना मत, ये +10 वाले पंपकिन वाले हैं उसके ऊपर ही मारना, जिससे हमारा स्कोर 100 तक पहुँच सके। और टाइम हमको कम भी है, इसलिए हमको ये +10 का ऑप्शन मिलता है जो हमारे बहुत काम का होता है। बट लिटरली ये +10 वाला बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना टाइम के हम ये गेम खेल ही नहीं सकते। अगर हमारा टाइम चला जाए तो हम ये गेम में आउट भी हो सकते हैं। ये देखना मैं फर्स्ट चांस में हार चुका हूँ, फर्स्ट चांस में एक भी स्कोर नहीं कर पाया, इसलिए मैं सेकेंड चांस कर रहा हूँ। ये सेकेंड वीट की यूज़ किया मैंने, अब हम जाके देखते हैं हम ये सेकेंड चांस में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये हमने लिटरली वापस से स्टार्ट किया, अब देखते हैं आगे हम इस सेकेंड चांस में हम ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लिटरली इस सूट का बटन बहुत छोटा है, इसे दबाने में बहुत आपको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए टाइम को पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये +10 हमको बाद में भी मिल जाएंगे, पहले टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। ये देखना आगे हम क्या होता है, ये -10 वाला मत दबाना मेहरबानी करके, ये +10 वाला पंपकिन हमारे लिए बहुत रेयर है, और जो टाइम का जो बोर्ड आता है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमने +10 के ऊपर ट्राई किया पर ये कभी कभार सूट का बटन दबता नहीं, इससे हमारा बहुत टाइम ज़्यादा जाता है, ये सेकेंड टाइम भी हम नहीं कर पाए, ये हम थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इस बार ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आगे तक के देखते हैं क्या होता है। ये हमने वापस से पंपकिन लिया, इसमें भी नहीं हुआ, देखते हैं हम ये कितनी बार में ये कर सकते हैं, एक बार में कर सकते हैं या नहीं।
ये माइनस प्लस 10 भी और माइनस 10 भी हो गया। अचानक से बिल्ली भी सामने आ गई, ये पंखी ने लड़की की तरह आया और हमें चकमा देके चला गया। ये प्लस 10 100 स्कोर करना बहुत लिटरली बहुत हार्ड है, आप बहुत ट्राई करना तब जाके आपका होगा। ये ज़्यादातर आपको हेल्प नहीं करेगा गाइस, ये बहुत टफ है, इसमें बहुत मेहनत से आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल की नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादातर अब जो आपके पास जो कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पे आके आप यूज़ करना, 10 रुपीज़ लगेंगी चार्ज और वापस से आपको वीट मिल जाएगा, आपको सेकेंड चांस भी मिल जाएगा। इसमें मैंने कम से कम 3 या 4-5 बार ट्राई किया तब जाके मेरा 100 स्कोर हुआ। वैसे लिटरली ये बहुत कम चांस है में होता है, 100 के ऊपर भी हो जाता है तो आपको ये मिल जाएगा। तो लिटरली मेरे को बहुत टाइम लगा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और ये बहुत टफ भी लग रहा था थोड़ा, क्योंकि मैंने इसका सूट का बटन बहुत स्लो वर्क करा था, मैंने इसको बहुत बार दबाया पर मूवमेंट निकलती नहीं थी और ज़्यादातर इसमें बहुत टाइम लगता था क्योंकि टाइम का बहुत अहमियत देते हैं ये हम लास्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं, देखते हैं आगे होता है क्या। देखते ये हमारा वापस स्कोर हमको स्टार्ट करना पड़ा और यहाँ पे देखो शूट का बटन बहुत ग्लिच कर रहा है और बहुत टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। ये हमको 10+ स्कोर टाइम मिल गया, अब हम आगे खेलते हैं, देखते हैं हम इस बार में 100 कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये -10 वाली बिल्ली अचानक सामने आ गई, अच्छा हमारा टाइम कुछ नहीं हुआ, ये हमका +10 स्कोर हो गया, टाइम हमारा बहुत कम है, टाइम की टाइम का बोर्ड बहुत जल्दी आए तो अच्छा है जिससे हमें वो मिल सके। ये हमें +10 स्कोर मिला, ये वापस से +10 स्कोर मिला, हमें अब चाहिए खाली वो वाइट बोर्ड टाइम बोर्ड जिससे हमें टाइम मिले और हम जल्दी जल्दी स्कोर कर पाए। स्कोर तो हम इजीली करेंगे क्योंकि टाइम बोर्ड बहुत कम आता है, ज़्यादातर टाइम बोर्ड टाइम हमारे लिए बहुत अहमियत है करता है और हमने यहाँ पे वापस से शूट किया और ये हमें वापस से 10 मिनट मिल गए, बहुत अच्छा है गाइस। ये बहुत मज़ेदार गेम है, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, लिटरली एक बार में नहीं हो सकता। ये हमारे 80 स्कोर हो गए, ये हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि 80 स्कोर में तो हो नहीं सकता। हमने वापस से 10 रुपीज़ यूज़ किए पर यहाँ पे देखते हैं इस बार में हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जब आप टाइम स्कोर मिल गया, यहाँ पर टाइम मिला है, टाइम में टाइम शूट नहीं करता, शूट का बटन बहुत ग्लिच कर रहा है, यहाँ पे ये बार बार शूटर का ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए कुछ निशाने ठीक से लग नहीं रहे। हमारे 20 स्कोर हो गए, ये हमने किए 30 स्कोर हो गए, ये बोर्ड आया हमने वापस से मारा, ये हमारा बोर्ड पे भी टाइम भी मिला हमको स्कोर भी मिला, ये बोर्ड पे वापस से लगा हमारा 50 स्कोर हो चुका है और टाइम भी हमारे पास 10 सेकेंड है। 9 ये बिल कैट आ गई सामने अचानक से, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लगता है इस वापस से खेलना पड़ेगा, लीव करते हैं चलो वापस से खेलते हैं नहीं तो हमें फेस ऑफ मास्क का पीस तो मिलेगा नहीं। ये हमारे पास एक और ही वो कौन की बोरी जो हमें वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिटरली अगर इस बार हमें मिल इस बार नहीं कर पाया तो मैं ये गेम छोड़ दूंगा, ये मैंने बहुत बार ट्राई किया पर तब भी नहीं हुआ, ये लिटरली लास्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस भी नहीं क्योंकि गाइस आप भी प्रैक्टिस करने के बाद ही खेला। ये बहुत टफ गेम है क्योंकि इसका शूटर कभी कभार उसका टारगेट बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ये शूट का बटन बहुत रेयरली दबता है, दब जाना भी वो बहुत रेयरली होता है क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है दबने प्रेस होने में। ये हमारा 50 स्कोर हो चुका है, हमारे पास सेकंड्स अभी हैं बहुत अच्छे, ये हमारा 10 स्कोर और हो गया, ये हमारा टाइम बोर्ड जा रहा है, ये कैट अचानक से आ गई सामने, हमें टाइम भी मिल गया है 10 सेकेंड्स और, ये कैट नहीं चाहिए हमें, 10+ वाला हमें चाहिए पम्पकिन बोर्ड। ये हमारे 80 स्कोर हो गए और ये जा रहा है हमारा लिटरली हो जाए 100 तो अच्छी बात है। यस हमारा 100 स्कोर भी हो गया, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया, चलो हमें फेस ऑफ मास्क पीस मिल चुका है, हम जाके उसको लगा देते हैं। ये हमारे पास 3 मास्क के पीस हो गए, अगर आप ये बोर्ड